चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे जॉब को कैसे बनाते हैं। तो हमारा जॉब नंबर 2 है, उसको हम लोग इस पर अभी ड्रॉ करेंगे। जॉब नंबर 2, ठीक है। चलिए जॉब नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसको जॉब नंबर 2 में मेरा क्या ड्राइंग है उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल में हम लोग को क्या बनाना है, जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं। जॉब नंबर 2 में एक हम लोग दे देते हैं स्क्वायर, पहले स्क्वायर मेकिंग देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे चैम्पर कर देंगे, चारों साइड हम उसको चैम्पर करके एक एंगल दे देंगे या फिर लेंथ दे देंगे, उसके हिसाब से हमको चैम्पर करना होगा, एक बिस्किट का शेप बनाना होगा। तो वही ड्राइंग है, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग को उसको बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक साइज लेते हैं, एग्जांपल के लिए 45 mm का ले लेते हैं। 45 mm का हम इसको चैम्पर करते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हो गया। अब हमारा इसमें क्या करेंगे, इसको डायमेंशनिंग कर देते हैं कि इसमें कितना हमारा इसमें क्या है, ठीक है। तो डायमेंशनिंग कर देते हैं इसको, इसको डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग लाइन ले लिए, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंटर अंदर में लिखे हैं इसमें 45, तो इसको इधर हमको जब लिखेंगे तो हमको बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज को देख लिए, लेकिन इसमें क्या ऑपरेशन है वो अभी तक हमको नहीं दिख पा रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का जब साइड व्यू बनाएंगे तो वहाँ पे हमको सारा चीज़ दिखेगा, ऑब्जेक्ट का साइड व्यू, क्योंकि चैम्पर हम लोग चारों साइड को कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हमको इसका चैम्पर सोर्सेस दिखेगा। अब हम लोग इसका थिकनेस को दिखा देते हैं, यहाँ पे कितना थिकनेस है। सो अगर ऐसा ड्राइंग दिया हुआ रहता तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, स्क्वायर मेकिंग कर देते हैं। क्या करते हैं,
स्क्वायर में की। लेकिन इसमें अब हमारा क्या किया है, यहाँ से 45 डिग्री का जैसे हमारा इसका चैम्पर दे दिया गया है, यहाँ से बीच में हमको 3 mm का इसमें रख के हमको चैम्पर करने के लिए बोला गया है, 3 mm का इधर से, 3 mm का इधर से। तो हम लोग जब चैम्पर निकालते हैं तो 45 डिग्री का एंगल, तो इधर से भी हमारा कितना होता है 3 mm, ऐसे नीचे आ जाएगा 3 mm हमारा, इधर से भी नीचे आएगा 3 mm हमारा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा 3 mm, यहाँ से भी आएगा और इधर भी हमारा ये पार्ट में बढ़ जाएगा 9 mm है ना, 3 mm। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, और ये हमारा हिडन लाइन में बन जाएगा, जो हमारा बन के ड्रॉ होगा ये इस तरह से डॉट में रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसमें हम लोग लिख देंगे बोथ साइड चैम्पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ पे चैम्पर करना है कितना, 3 mm, या फिर एंगल हमारा दिया हुआ, किसी किसी में एंगल दे देगा या फिर किसी किसी में हमको क्या दे देगा ये डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का दिखा देते हैं कितना है, 333। इसको एक दिखा देते हैं यहाँ पे, ये कितना mm का हमारा है, 3 3 3। तो यहाँ से हम लोग इसका पूरा ड्राइंग को यहाँ पे हम लोग समझ गए। ठीक है, ठीक है, ये मेरा चैम्पर था ना, तो यहाँ पे इसमें भी हमारा लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से लाइन यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से हमारा लाइन इसमें बन जाएगा। इधर भी हमारा एक लाइन बनेगा इसके साथ में, तो ठीक है।